लखनऊ में पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में देशभर के पुलिस अधिकारी, समाजशास्त्री और विशेषज्ञ मौजूद रहे, जो पुलिस को मिल रहे संसाधनों और बेहतर तकनीक के बारे में दो दिनों तक चर्चा करेंगे। इस मौके पर किरण बेदी ने बीट पुलिसिंग को और बेहतर करने की बात कही, साथ ही यूपी पुलिस की भी जमकर तारीफ की। कहा कि कुंभ और अयोध्या फैसले के बाद यूपी पुलिस ने जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कायम रखी है, पुरस्कार भी मिलना चाहिए, किरण बेदी की ओर से कहा गया। बेहद खास, ये तो मुबारक की बात है कि जिस प्रकार हमने अयोध्या के मामले में उसके न्याय के, एक तो न्याय जो भी सरकार ने हमको सुप्रीम कोर्ट में दिया, जिस प्रकार सारी जनता ने और जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था यहाँ हुई, ये बहुत ही सराहनीय हुई। कुंभ भी एक सराहनीय था, उसके बाद एक बार आपने फिर से अयोध्या में भी सफलता हासिल की, ये बहुत ही मुबारक है और बहुत सराहनीय है और हर भारतीय इसका बहुत शुक्र करता है, सारी यूपी सरकार का और सबसे ज्यादा अपनी पुलिस लीडरशिप का, और जिस प्रकार सिविल सोसाइटी ने इनकी मदद की और मीडिया ने भी बड़ी समझदारी की। पहले हमको सिखाया जाता है कि क्राइम को प्रिवेंट करो, फिर अगर हो गया तो उसको डट के डिटेक्ट करो, और अच्छी तरह पर ध्यान दीजिए। और क्राइम प्रिवेंशन का पहला साधन है, पहली एक्चुअली आधार है हमारा बीट कांस्टेबल सिस्टम, बीट कांस्टेबल हेड कांस्टेबल भी हो सकता है, सिर्फ बीट सिस्टम। तो मैंने ये बताया कि हमारी 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी पुलिसिंग की है, 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा जो हमारी पुलिसिंग है, उसका 80% आधार हमारा हेड कांस्टेबल कांस्टेबल है। जब उसको पुलिसिंग में सेंटर स्टेज लाएंगे थ्रू बीट सिस्टम और फिर शाम को ग्रुप पेट्रोलिंग, तो क्राइम प्रिवेंशन जरूर होगी। 47th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में हुआ। इस बार यूपी पुलिस ने इसकी मेजबानी की है। लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर में इसका आयोजन हुआ। दो दिनों तक ये सेशन चलने वाला है। आज इसका उद्घाटन जो है वो पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी ने किया। इस मौके पर दो बहुत बातों पर खास ध्यान दिया गया। एक तो कहा गया कि पुलिस के लिए बीट कांस्टेबल, बीट पुलिसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्राइम को लेकर। उद्घाटन भाषण था, उसमें जो फोकस किया वो पुलिसिंग को लेकर किया, कैसे पुलिसिंग को बेहतर कर सकता है, कैसे जो पुलिसिंग थी उसको मजबूत करने पर बल दिया। साथ ही आज किरण बेदी ने यूपी पुलिस की तारीफ की, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुंभ का आयोजन सफल आयोजन कराया, और जिस तरह से अयोध्या मामले में जो वर्डिक्ट आया था उसके बाद से जिस तरह से पुलिसिंग हुई उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर किरण बेदी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ भी की। डीजीपी को भी मैग्सेसे पुरस्कार, जो यूपी के डीजीपी ओपी सिंह है, उनको भी मैग्सेसे पुरस्कार मिलना चाहिए। कैमरामैन अमर शाह के साथ विनोद मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी यहाँ पर पहुंची, जब वो आईपीएस अधिकारी थी तो काफी चर्चाओं में रहती थी, और अब जब वो यहाँ पर पहुंची इस कार्यक्रम में, तो क्या तस्वीर नजर आई अपने संबोधन में उनकी ओर से, क्या कुछ बातें कही गई? बिल्कुल, पुलिस के जो उन्होंने जो इनॉग्रल उनका स्पीच था उसमें उन्होंने अपने कई सारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे बतौर आईपीएस, उन्होंने उससे शेयर किए किस तरीके से उन्होंने पुलिस पर काम किया, और इसलिए उन्होंने कहा कि जो पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो बीट पुलिसिंग है, क्योंकि बीट का जो सिपाही होगा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, वो बेहतर अपने इलाकों को जानता है, उसको इलाके के लोग जानते हैं, और ये एक बहुत ऐसा मेथड है जिससे आप क्राइम को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर क्राइम होता है तो उसे डिटेक्ट कर पाएंगे, आप उस क्राइम को जो है खुलासा उसमें कर पाएंगे। तो इसके लिए बीट पुलिसिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि जब भी हमारे पास, हालांकि जब हम पुलिस में थे तब रिसोर्सेज उतने नहीं थे, पुलिस के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, उसके बावजूद भी हम लोग बीट पुलिसिंग पर ज़्यादा फोकस करते थे, और किसी भी कंडीशन में बीट कांस्टेबल को हम वहाँ से डाइवर्ट नहीं करते थे, चाहे वो सिक्योरिटी में किसी की सिक्योरिटी का मामला हो या और किसी भी बड़े इवेंट पर, हम उस पुलिस को डिस्टर्ब नहीं करते थे, उसको पर्टिकुलरली अपने बीट पर फोकस करना होता था, और उस पुलिस को ये कहा जाता था कि उसको उस इलाके कितने
जितने लोग जानते हैं ये उसके पास और फेल होने का पैमाना हुआ करता था। शाम को जो है वो बाकायदा मार्च होता था, लोगों के साथ मिलना होता था ताकि लोग इंटरेक्ट कर पाए पुलिस को, पुलिस एक फ्रेंड की तरह लोगों से रहे। और यही बेहतर पुलिसिंग हो सकती है जब पुलिस को लोग भी बतौर अपने फ्रेंड की तरह देखे, पुलिस लगे, लोग लगे कि हाँ ये पुलिस है तो इसे हमारी रक्षा करेगी और ये हमसे हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि अगर आप वर्दी पहनते हैं तो ये वर्दी जो है यही आपका मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये आपके लिए आपके भगवान के बराबर है, तो अगर आप इसको पहनकर इसे अपना मंदिर मस्जिद मानते हैं तो आप शायद न्याय कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप न्याय करें, आप अपनी पुलिसिंग को बेहतर करें। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसका इस्तेमाल करके पुलिसिंग को और बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने दो बड़ी बातें जो हैं वो प्रमुखता से जो कहीं उसमें, तो उन्होंने पुलिसिंग को किस तरीके से और बेहतर किया जा सके उसको लेकर बात की उन्होंने। दूसरा, उन्होंने यूपी पुलिस की भी तारीफ की है, जिस तरीके से कुंभ का सफल आयोजन किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, अयोध्या मामले का फैसला को जिस तरीके से उसके बाद जो पुलिसिंग की गई, खास तरीके से जो सोशल मीडिया को मॉनिटर किया गया, उसके बाद जो कार्रवाई की गई, तो वो उसके लिए तारीफ भी उन्होंने की। कहा कि यूपी चूंकि देश में अगर दुनिया में कहा जाए तो पांचवा राज्य होगा यूपी, एक पांचवा देश बन, इतना पॉपुलेशन है और कि वो एक पांचवा देश के बराबर पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के एक देश के बराबर है और वहाँ की पुलिसिंग को मैनेज करना वहाँ पर एक बड़ा चुनौती किसी के लिए भी होता है। तो अभी फिलहाल उन्होंने कम से कम ये जरूर कहा, जो सवाल लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर उठते रहे, कि अभी उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग थोड़ी ठीक है, दो बड़ी ऐसे मामले सामने आए जिससे पुलिस ने बेहतर पुलिसिंग की है, इसी को आगे बरकरार रखना चाहिए। पुलिसिंग में क्या कुछ बेहतर हो सकता है उसके लिए सुझाव दिया। जो तमाम वहाँ पे अधिकारी थे वो भी ये मान रहे थे, खुद डीजीपी ने कहा कि हम डॉक्टर किरण बेदी जो है वो पुडुचेरी के गवर्नर जरूर हैं लेकिन हम इन्हें मानते हैं कि ये अभी भी हमारी फेटर्निटी की है, क्योंकि इन्होंने जो फेटर्निटी हमारे पुलिसिंग के लिए जो बेहतर काम किए, जिस तरह के रिफॉर्म पुलिस में इन्होंने लाए, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पुलिसिंग के लिए और वो हम सबको सीखना चाहिए। तो आज पहला सेशन खत्म हो गया है, हालांकि तीन सेशन और चलेंगे जिसमें पुलिसिंग को लेकर बात होगी, फॉरेंसिक साइंस को लेकर बात होगी। कल भी जो बाकी राज्यों के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ पुलिस अलग अलग सेशन होंगे, पेपर्स होंगे अलग अलग साइंस कांग्रेस में। और शाम को चूंकि देश के गृह मंत्री भी यहाँ पे आने वाले हैं, कल अमित शाह का कार्यक्रम, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और समापन जो है वो अमित शाह के द्वारा ही किया जाएगा। तो कल का भी दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का दिन भी महत्वपूर्ण रहेगा और आज का दिन भी बेहद अहम, जिस तरह से किरण बेदी पहुंची और यूपी पुलिस की सराहना उन्होंने की, तारीफ की, आज भी और कई अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और चलिए बड़ी खबर अब उत्तराखंड से दे दे आपको, पिथौरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको अपडेट। बीजेपी की चंद्रा पंत ने कांग्रेस की